आज 15 अगस्त के शुभ दिन पर क्राइम पेट्रोल सतर्क की टीम सभी देशवासियों को बधाई देती है और उम्मीद करती है कि हम सभी नागरिक इस देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने में सदा सतर्क रहेंगे। अगर गोविंद की हत्या करने के लिए चक्रव्यूह रचा गया है तो हमें इस कनेक्शन और मकसद को समझने के लिए इनके इर्द गिर्द भी चक्रव्यूह रचना होगा। गोविंद अपनी लाइफ में चाहे कैसा भी था, लेकिन हमारे लिए एक सिर्फ मर्डर केस, हमें गोविंद के कातिल तक पहुंचना ही है, चाहे वो फिर एक है या फिर एक से ज्यादा। सोनाली बेचारे आपकी बेटी है। हाँ, पर क्या बात है? बुलाइए उसे। अभी कॉलेज में हूँ, लेक्चर्स है मेरे, 3:30 बजे खत्म होगा, उसके बाद जहाँ कहेंगे वहाँ आ सकती हूँ। ठीक है, 3:45 तक पहुँच जाना। तुम्हारे कॉलेज के पास ही है कस्तूरी मार्ग पुलिस स्टेशन, 15 मिनट काफी। 4 भी बच सकते हैं, फिक्स टाइम नहीं बता सकती, जैसे ही कॉलेज खत्म होगा वैसे ही आ जाऊंगी। आपकी बेटी हमेशा ही गुस्से में रहती है। उसके पापा की डेथ का बहुत गहरा असर हुआ है, वो ये सब भूल नहीं पा रही। इसीलिए उसने गोविंद देसाई से बदला लिया, उसे मरवा के। जो शक अपने साथ लेकर आए हैं यहाँ पर, क्या वो मेरे बोलने से मिट जाएगा? स्टेला थॉमस या स्टेला गौरी थॉमस, जो भी नाम है तुम्हारा, तुमसे मैं सिर्फ एक सवाल करूं, और अगर इस सवाल का जवाब मुझे अच्छा नहीं लगा ना, तो अगला सवाल तुमसे नहीं, तुम्हारी बेटी जेनी से। बच्ची है जेनी, अभी क्या बताएगी आपको? और अगर आपको मुझसे जवाब नहीं मिला ना, तो वो भी कुछ नहीं बता पाएगी। सब तो बता चुकी हूँ, और क्या पूछना है आपने? कुछ नहीं है मेरे पास और भी बताने के लिए। प्रकाश और संजय, स्टेला। प्रकाश और संजय कहाँ है स्टेला? मेरा सवाल ये, वहीनी ने इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं गोविंद भाऊ का काम जानता हूँ, उन्हें हेल्प चाहिए थी काम संभालने के लिए। और पायल को? तुम दोनों के रिलेशनशिप के लिए भी मान गई हो? कोई रिलेशनशिप नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। गोविंद ने तुझे काम से इसलिए निकाला था ना, क्योंकि उसे पता चल गया था तेरे और पायल के बारे में। सर, ये आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। सुजाता जी, क्या आपकी बेटी और आपके पति के पुराने वर्कर लक्ष्मण के बीच में कुछ था? कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं, सीधे मुद्दे पे आइए ना, क्या पूछना चाहते हैं आपके पति के मर्डर के बारे में बात करनी तो सीधे उसी पे आइए ना, मेरी बेटी का क्या ताल्लुक है? जब तक हमें अक्यूज मिल नहीं जाता, कोई भी हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं। कुछ नहीं है मेरी बेटी और उस लक्ष्मण के बीच में। अब आप सोचेंगे मेरे और लक्ष्मण के बीच कुछ है। देखिए इंस्पेक्टर, आपको जो भी पूछना है ना, सीधे सीधे पूछिए। मैंने ना सिर्फ अपना पति खोया है, बल्कि अब इस बात का भी एहसास हो रहा है कि मैं एक ऐसे पति के साथ रह रही थी जिसकी हमारे अलावा भी एक अलग जिंदगी थी, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं। अब पता है तो सिर्फ इतना कि मुझे मेरी बेटी और काम दोनों को संभालना है। चलिए सीधा मुद्दे पे आते, क्या आपकी बेटी ने लक्ष्मण की मदद से आपके पति की हत्या करवाई? मैंने आपसे कहा ना कि नहीं जानती मैं, और मैं ये भी नहीं जानती कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है। अगर आपको लगता है तो आप पता कराइए ना। मैं अपनी बेटी से ऐसे सवाल नहीं पूछने वाली। क्यों, डर है आपको? इसका जवाब आप पहले से जानती होंगी। नहीं जानती मैं, और ना ही मैंने उससे ये पूछा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकती। किसी भी सस्पेक्ट से सच उगलवाना मुश्किलों भरा होने वाला था। संघर्ष इस बात का था कि कौन सी कड़ी टूटेगी। क्या इन्वेस्टिगेशन टीम इन बातों को आपस में जोड़ पाने में कामयाब होगी? प्रकाश और संजय के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मैडम, उन दोनों की छेड़छाड़ से बहुत परेशान थी। धमकी दी थी दोनों ने, मेरी बेटी पे एसिड फेंक देंगे, माँ हूँ मैं उसकी, ऐसे तो नहीं बैठ सकती थी ना। उन दोनों को समझाने के लिए मैंने हेल्प ली थी किसी की। ऐसी कौन सी हेल्प की किसी ने कि उसके बाद से उन दोनों लफंगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सीधा गायब ही हो गए। कौन था वो भला मानस? मेरे पति का दोस्त। कोई नाम? योगेश, योगेश सिंह नाम है उसका। कौन है योगेश सिंह, और क्या किया इसने इन दोनों लड़कों के साथ? मुझे नहीं पता उसने उन दोनों के साथ क्या किया, मैं बता रही हूँ मैंने सिर्फ हेल्प मांगी थी उससे। कौन है योगेश सिंह? मैडम मैं आपको योगेश का नंबर दे देती हूँ, आप खुद बात कर लीजिए उससे। मुझे बस उसने इतना बोला था कि उसने दोनों को समझा दिया है और वो कभी भी मेरी बेटी को परेशान नहीं करेंगे, बस इतना था। ऐसे कौन से तरीके से बात की योगेश ने उन दोनों बदमाशों से कि उसकी बात ही मान गए?
इधर हमको देख लो, जब तक चार डंडे नहीं पड़ते कोई क्रिमिनल बात ही नहीं सुनता। अब मैं आपको नंबर तो दे रही हूँ ना, आप खुद बात कर लीजिए। बात तो मैं कर ही लूंगी, पर तुम मेरी एक बात सुनो, कहीं से भी अगर मुझे पता चला कि तुम इन मर्डर्स में शामिल हो, तुमने उस प्रकाश और संजय को मरवाया, तुम अपना नाम तक भूल जाओगी कि तुम्हारा नाम गौरी है या स्टेला। सोनाली बेचारे को तू जानता था, ये बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर याद नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ मैं। सर 6 महीने में गोविंद भाव के घर एक ही बार गया हूँ, गोविंद भाव की मौत के बाद। सर मर्डर बोल लक्ष्मण, मर्डर। हाँ सर मर्डर, मर्डर के बाद गया भी था सर वहां पे तो उस फैमिली से मिलने के लिए, क्योंकि मैं उस फैमिली को जानता हूँ सर। सर मैंने आपको बोला ना किसी लेनदार का काम है, सर आप किसी लेनदार का कॉलर पकड़िए ना सर, आपने भी वो सुपारी वाला पकड़ा ना सर, रतन देशमाने। सर ऐसे अगर आप किसी लेनदार को पकड़ेंगे ना तो आपको मर्डर भी मिल जाएगा। सर 3 साल पहले मैं उनके यहाँ काम करने गया था, तभी मेरी पायल से दोस्ती हो गई थी, उसके बाद मैंने वहां से काम छोड़ दिया, उसके बाद भी मेरी पायल से बात होती थी, वहीनी से बात होती थी। सर हमारा फैमिली रिलेशन था सर, फिर उसके बाद उसकी फैमिली में हादसा हो गया सर, पायल दुखी थी, उसे रोने के लिए कंधा चाहिए था सर। तो तूने अपना कंधा आगे कर दिया, तोड़ देंगे तेरे दोनों कंधे हम, कभी बोझ उठाने के लायक नहीं रहेगा लक्ष्मण। सीधे सीधे बोल, स्टेला गौरी थॉमस कैसे आई पिक्चर में? सोनाली बेचारे के साथ मिलकर पायल को भरोसे में लेकर क्या प्लान बनाया तूने? और वो दो लोग कौन थे जिन्होंने 19 वार किए गोविंद पर? सर कोई नहीं मिल रहा ना सर, मुझे ही फंसा दो सर। सर लिख दो FIR मेरे नाम पे, डाल दो मुझे सर जेल में। सर मैं खुद ही चला जाता हूँ सर जेल में। ये होशियारी ना बाहर जाके दिखाना, यहाँ पर नहीं चलने वाली है समझा? सर सर मैं तो बलि का बकरा बन के रह गया हूँ, इधर आप लोग मुझे काटना चाहते हैं, उधर सर पायल भी मुझ पर डाउट करने लगी है, सर कैसे सबको विश्वास दिलाऊंगा? सच सच बता लक्ष्मण, पापा को तूने मरवाया है? पुलिस वाले शक करते हैं समझ में आता है, पर तुम भी? माँ की हालत अब देखी नहीं जाती लक्ष्मण, वो बिल्कुल टूट गई है। लोग पापा के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है उन्हें, और हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने क्या क्या झेला है। लोग जो बातें कर रहे हैं ना सब सच है, और एक सच ये भी है मैंने सोनाली के फादर को धमकी दी थी। एक लक्ष्मण थोड़ी हेल्प कर दे, मैं बहुत परेशानी में हूँ, देख थोड़ा समझ के एडजस्ट कर देना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर के लिए मैं पैसे लगा रहा हूँ उसका बिल्डर वो पैसे लेके भाग जाएगा। अब आपने गलत जगह दांव खेला, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अगर इस बार पैसे नहीं आए ना तो आपका नंबर जाएगा सीधा वसूली एजेंट के पास। आपको पता ना कैसे वसूल करते हैं? सीधा आपके घर आएंगे, और आपको पता है उनके तौर तरीके कैसे होते हैं? लक्ष्मण ऐसा मत कर, मेरी बात सुन, देख मैं फैमिली वाला आदमी हूँ, एक बेटी है मेरी घर में। ये सब मुझको मत बताओ भाव, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा काम है कलेक्शन करना। अगर मेरे रजिस्टर में आपकी एंट्री नहीं हुई ना तो आपकी रिपोर्ट जाएगी सीधा गोविंद भाव के पास, और वो क्या करेंगे ये मैं नहीं जानता। विनोद भाव ने सुसाइड किया ये सुनकर हिल गया था मैं, 2-4 दिन तक तो मुझे नींद ही नहीं आई, उसका चेहरा मेरे सामने रहता था, अकेले में तो ये सोचने लगा था कि भाई उनकी मौत का जिम्मेदार आप, बताइए गोविंद भाव को कैसे मार सकता? कमाल का इमोशन है तो। प्लान में शामिल करने के लिए सोनाली को भी ऐसे ही तैयार किया था क्या? हेलो सुन पायल, मेरी पूछताछ हो गई, मैंने अंदर सोनाली को देखा, अब तेरा नंबर आएगा, तैयार है। लक्ष्मण कुछ बता, मुझसे क्या पूछेंगे? शांत रह, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, उसके बाद आके तुझसे मिलता हूँ, सब बता दूँ। गणेश योगेश सिंह नाम है बंदे का, स्टेला ने इसी की मदद ली थी प्रकाश और संजय को समझाने के लिए। तो जानता किसी योगेश को? योगेश सिंह, ये वो मांड वाले उस्ताद योगेश सिंह ही क्या मैडम? अबे तो पूछ रहा बता रहा है, मुझे पता तो तुझे गप्पे मारने के लिए बुलाती मैं, पता कर कौन है योगेश सिंह। मैडम एक योगेश सिंह को तो मैं जानता हूँ, मांड वाले उस्ताद, अपने ठाकुर बावड़ी थाने में कई केसेस हैं इसके नाम पर, अपनी शर्तों पर हर तरीके के मैटर सुलटाता ही है, इसके नाम पर 2-3 मर्डर भी है मैडम। गणेश ये बंदा मुझे आज की आज मेरे टेबल के सामने चाहिए, और ये नंबर ले स्टेला ने दिया है, फिलहाल ये नंबर बंद आ रहा है, लेकिन गणेश तो इसे हाजिर कर, मैं पूरा यकीन है कि गोविंद देसाई के मर्डर में इसी का हाथ। और कितना वेट करना होगा सर?
चार बजे बोला था टाइम पर आ गए, 4:45 हो रहा। टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास होगा लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अंदर आ जाओ, केबिन में बात। बैठो सोनाली। ऑलरेडी 45 मिनट से बैठी ही थी, जो पूछना जल्दी पूछिए। काफी गुस्से में रहती हो तुम। तुम्हारे प्रोफेसर निरंजन वैद्य ने हमें बताया कि कोई फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे, सही कहा? आप इसे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं बोल सकते, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो बहुत ही सेंसिटिव लड़की है। क्या उसने कभी किसी मर्डर की बात की? आर्ग्यूमेंट्स की थी गोविंद देसाई के मर्डर के केस के बारे में। वो अखबार के कुछ क्लिपिंग्स भी लेकर आई। देखो सोनाली, हम समझ सकते हैं तुम्हारे फादर के साथ जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट था। मर्डर था सर, वो कोई दुर्भाग्य नहीं था, पहले से तय की गई हत्या थी। सुसाइड मत बताइए सर, मेरे पापा ने सुसाइड नहीं किया है। इनकी बॉडी से हमें पॉइजन के ट्रेसेस मिले हैं, इसके अलावा और कोई बात सामने नहीं आई। मजबूर किया जा रहा था उन्हें, गोविंद देसाई ने सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था उनके सामने। जो हमें पता चला है उसके हिसाब से तुम्हारे पापा ने लोन लिया था जिसे वो वापस नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने ये कदम उठाया। और आपको ये नहीं पता चला कि उनको पैसों के लिए सताया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था? सर सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा था उन्हें। ये बात सिर्फ तुम कह रही हो सोनाली, इसका कोई प्रूफ नहीं है न तुम्हारे पास न मेरे पास। सर प्लीज, सर एक बार मेरी बात तो सुनिए, आप क्यों नहीं सुनाली? मैंने तुम्हारे स्टेटमेंट के बेस पर गोविंद देसाई से पूछताछ की, पर उसने तुम्हारे पापा पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर देने से साफ इनकार किया। कोई खुद थोड़ी ना बोलता है सर कि उसने मर्डर किया है, तो वो गोविंद देसाई बोलेगा क्या कि उसने मेरे पापा को धमकी दी थी? ये आपको उसके मुंह से निकलवाना होगा सर। किस बेस पे करूं ये मैं? क्या तुम्हारे पापा ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है? उन्होंने लिखा है कि ये बंदा मुझे धमका रहा था? देखो सोनाली, मैं तुमसे रूड नहीं होना चाहती, सच ये है कि तुम्हारे पापा के केस की फाइल बंद हो चुकी है। तो तुमने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए? कर्मा सर, उसके कर्मों ने किया, वो कोई हिसाब बकाया नहीं छोड़ते। अच्छा कर्मा, और यही कर्मा अगर तुम्हें आईना दिखाए तो? आप बताइए सर, लोन की जरूरत किसे होती है? जिसके पास पैसे नहीं है उसे। अब जिसके पास पैसे ही नहीं है तो कोई बैंक उसे लोन भी नहीं देती। क्यों नहीं देती? डर होता है कि वो पैसे वापस कर भी पाएगा या नहीं। फिर ऐसे आदमी गोविंद देसाई जैसे ब्याजखोरों के पास जाते हैं जो उसका खून चूस लेते हैं। बैंक इन जरूरतमंद लोगों को लोन नहीं देती है, बल्कि वो तो उन्हें पैसे बांटती है जिनके अकाउंट में पहले से ही लाखों करोड़ों पड़े हुए हैं। आम आदमी का प्रपोजल फेंक दिया जाता है, पर अमीरों के प्रपोजल पर जी खोल कर लुटाया जाता है। कभी प्लेन खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो कभी बिजनेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीज पर लेने के लिए। पर असल में क्या होता है, उनका सारा बिजनेस ठप हो जाता है और सारे पैसे छूमन। जब तक ये बात किसी को पता चलती है तब तक वो अमीर लोग अपने रईसी के दम पर किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले चुके होते हैं। कानून और सरकार दोनों की पहुंच से दूर हो जाते हैं। कभी पकड़े भी गए तो सारी सुविधाएं दी जाती हैं उनको जेल में, लेकिन आम आदमी को मिलती है सिर्फ धमकी, डर और जिल्लत। मेरे पापा को भी मिली, इतना सताया गया कि उनको जान देना आसान लगा। क्या ये हत्या नहीं थी? सोनाली, मैं तुम्हारा प्रोफेसर नहीं हूं, ना ही कोई अर्थशास्त्री जो तुमसे बहस करूं इस बारे में। गोविंद देसाई की मर्डर के लिए पूछताछ हो रही है और हमें पूरा यकीन है तुम्हीं ने करवाया। तो फिर इस पूछताछ के लिए आपने तैयारी भी की होगी, फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए? तो यहाँ तक तैयारी की थी तुमने कि फोन में कुछ नहीं मिलेगा? ये आपका काम है, आप पता करिए, मैं थोड़ी ना कुछ बताऊंगी। क्या करेंगे, धमकी देंगे, थर्ड डिग्री यूज करेंगे? सोनाली, कौन था तुम्हारे साथ, स्टेला गौरी थॉमस या फिर तुम्हारे पापा को धमकी देने वाला गोविंद का एक्स एम्प्लॉई लक्ष्मण दियो था? किसका इस्तेमाल किया तुमने? और गोविंद पर 19 बार चाकू घोंपने वाले वो दो लोग कौन थे? कौन तुम लोग? स्टेला गौरी थॉमस, ये लक्ष्मण दियोदर। इन दोनों में से किसने आपको मेरा नाम बताया? उसी से पूछ लीजिए कि कैसे इस्तेमाल हो गए थे वो, और गोविंद देसाई को मारने में क्या रोल था मेरा। ये बेहतर तरीका होगा ना मुझे फंसाने का,
नहीं। तुम्हें क्या लगता है, तुमने अपने किए पे पर्दा डाल दिया? नहीं सर, अभी भी लूपहोल है, वो आप पता कर लीजिए उसे। तो अब मैं जाऊं, ये और कुछ पूछना है आप? कुछ नहीं, जा सकती हूँ। वैसे सोनाली, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे पापा को लोन लेने से पहले सही गलत का अंदाजा तो होगा। जिस तरह से उन्होंने पैसे लिए थे उसी तरह से उनको पैसे वापस कर देने चाहिए, सही आदमी यही करता है। गोविंद देसाई चाहे कैसा भी आदमी, लेकिन तुम्हारे पापा ने पुलिस से मदद लिए बगैर ही इतना बड़ा कदम उठाया, क्यों? क्या करते वो, धमकाया जा रहा था उन्हें। तो उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, मदद मांगनी चाहिए थी पुलिस से, पर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया खुद ही बिना पुलिस से मदद मांगे। उनका सांस लेना तक मुश्किल हो गया था, जो उनके साथ हो रहा था सिर्फ मैं देख सकती थी, मेरी माँ देख सकती थी। तुम देख सकती थी, तुम्हारी माँ देख सकती थी, तो फिर तुम दोनों ने उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं गई पुलिस के पास, क्यों नहीं मांगी पुलिस से मदद? सही कदम उठाने के बजाय तुम गोविंद देसाई के पास गए और अपनी ये बकवास में उन लोगों के लिए बचा के रखना जो लोन लेकर भाग जाते हैं। यहाँ आज भी 99% लोग मुसीबत में भी दिया हुआ कर्जा वापस करते हैं। अगर तुमने गोविंद को मारा है वो तुम पता कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं। देखो सोनाली, अभी भी वक्त है, बोल दो सच, तुमने अपने पापा का बदला लिया है ना, तुम्हें ना करवाया ना ये? अभी तो आपने बोला कि पता कर लेंगे, तो कर लीजिए ना पता। सोनाली बेचारे ने पुलिस को जो चैलेंज दिया था उसके फोन रिकॉर्ड्स उससे बिल्कुल उलट थे और उससे कुछ हैरतअंगेज चीजें बाहर आने वाली थी। गोविंद की वाइफ सुजाता और उसके पुराने वर्कर लक्ष्मण के उसका बिजनेस संभालते ही कुछ संदिग्ध चीजें होने लगी थी। जेनी को छेड़ने वाले आवारा लड़कों प्रकाश और संजय के साथ क्या हुआ था इसका भी पता चलने वाला था। नमस्कार मैडम। नमस्कार। सुना कि आपकी खबरी मेरे बारे में पूछताछ कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि आप इतना तकलीफ क्यों ले, मेरे को फोन मार देते, मैं हाजिर हो जाता आपके सामने। है कौन तू? योगेश सिंह, लोग प्यार से मेरे को मांडवाली साथ भी बोलते हैं। स्टेला बता रही थी कि मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे आप। तो अच्छा, तो तू है जो स्टेला गौरी थॉमस के इशारों पे नाचता है? अरे मैडम, वो मेरे दोस्त की वाइफ है, उसका पति जॉन मेरा खास दोस्त था। संजय प्रकाश को मार के कहां फेंका तूने, और गोविंद देसाई को किसके कहने पे मारा? स्टेला के कहने पे। तुझे क्या लगा तो पकड़ा नहीं जाएगा? प्रकाश और संजय मच्छर मैडम, छोटे मोटे टपूरी। स्टेला ने अपने को बोला कि वो लोग जेनी को छेड़ते हैं, मुझसे मदद मांगो, तो मैंने उन दोनों को समझा दी। बॉडी मिलनी चाहिए, नहीं तो कोई डरेगा नहीं, बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देने का, डर के सुसाइड किया ऐसा लगना चाहिए। नहीं भाऊ, भाऊ 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 नहीं भाऊ, भाऊ आज के बाद कभी जर्नी को नहीं छेड़ेंगे भाऊ, उस गली में नहीं, उस गली में कभी नहीं जाऊंगा भाऊ। भाऊ उसके पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे, उसको बहन बना लेंगे भाऊ, बस माफ कर दो एक बार भाऊ, प्लीज भाऊ। मर्डर वर्डर नहीं किया मैडम, खाली एरिया छोड़ के जाने को बोला बस। वो क्या बोलते हैं आप लोग, तड़ी भाग वही की। अबे गुंडे, टांगे तोड़ के ना हाथ में दे दूंगी अगर पता चला कि कुछ हुआ है संजय प्रकाश को। अभी बता कहां है वो दोनों? कुछ नहीं किया है मैंने मैडम, वो लफंडर लोग हैं, पी खा के पड़े होंगे किधर भी, अभी मैं उनके पीछे पीछे थोड़ी घूमता। योगेश, तुझसे ये पूछा है कहाँ मार के फेंका है तूने उन दोनों को? अरे मैडम कहीं नहीं, मैंने कहीं नहीं मारा उनको, आप फालतू में परेशान हो रहे हो, मैं तो मंडवाली करवाता हूँ, मर्डर वर्डर मैं नहीं करता है। ठीक है, अगर संजय और प्रकाश जिंदा है तो मेरी टेबल के सामने चाहिए, और वो दोनों बंदे भी चाहिए जिसको तूने भेजा था गोविंद देसाई को मारने के लिए। मैडम ये गोविंद देसाई कौन है? वो स्टेला बोल रही थी कि आप लोग उससे पूछताछ कर रहे थे उसके बारे में,
उस बेचारे को क्या मालूम उसने किसी से लोन लिया, अभी वो वापस लेने से पहले ही चला गया। तो मतलब स्टेला ने सुपारी लोन के पैसे से दी। अरे मैडम उसको क्या जरूरत है ये सब करने की, वो बेचारी अकेली औरत कामकाज करके अपनी बेटी जेनी को पढ़ा रही, अब ताइको उसको ये बेकार के मर्डर ऑर्डर के लफड़े में घसीट रहे हो। आपको प्रकाश और संजय को देखने हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने लोगों को बोलता हूँ कि उन दोनों को पता लगाए, एक हफ्ते का टाइम दो मेरे को, ये दोनों लुक्खे और गोविंद देसाई का मर्डर करने वाला आपके सामने होंगे। चल ठीक है, दिया तुझे मैंने एक हफ्ता, लेकिन इस पूरे एक हफ्ते सुबह 10 बजे तेरी हाजिरी चाहिए मुझे इस थाने में। आऊंगा ना मैडम, आऊंगा, पर वो स्टेला को ना परेशान नहीं करने का, क्या उसकी लाइफ में पहले ही बहुत तकलीफ है। क्या बोला वो, स्टेला को परेशान मत करो, अब ये दो कौड़ी का गुंडे हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सर गलती करने का एक मौका दिया है उसको, मुझे पूरा डाउट है कि संजय और प्रकाश को उसने मरवा दिया, इसके पीछे मैंने अपने आदमी लगवाए हैं। सर इसने हड़बड़ाहट में एक भी गलती की तो संजय और प्रकाश को गायब करवाने और गोविंद देसाई के मर्डर में इसका कनेक्शन सामने आ जाएगा। स्टेला पर भी नजर है हमारी, वो एक अहम कड़ी है इस केस में। नहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रकाश और संजय गोविंद के रिकवरी एजेंट थे? ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया सर, गोविंद देसाई के कॉल रिकॉर्ड में भी ऐसा नहीं मिला है और लक्ष्मण भी मना कर रहा है। सर पर लक्ष्मण और पायल तो लगातार कॉन्टेक्ट, लेकिन ना इन दोनों का सोनाली के साथ कोई कनेक्शन मिल रहा है और ना इन तीनों का स्टेला गौरी थॉमस के साथ कोई कनेक्शन सामने आ रहा है। सुजाता का कोई कनेक्शन स्टेला गौरी थॉमस के साथ? नहीं सर, लेकिन सोनाली के कॉल रिकॉर्ड्स में एक बात बड़ी अजीब है जो सामने आई। जिस दिन गोविंद का मर्डर हुआ यानी 17 जुलाई को, उस दिन सोनाली के फोन पर ना कोई कॉल आया और ना ही गया। मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा। जब फोन ऑफ हुआ तो लास्ट लोकेशन उसका घर का एरिया दिखा रहा था, और जब ऑन हुआ तो भी एरिया उसका घर का ही था। और रिकॉर्ड से कोई नंबर मिला? नहीं सर, या तो उसकी बात उसकी माँ से होती है या फिर उसके कॉलेज के प्रोफेसर निरंजन से। काफी शातिर लड़की है सर, आप ही बता रहे थे कि कॉल रिकॉर्ड निकलवाने के बारे में खुद ही बोल रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है इसने फोन यूज ही नहीं किया होगा। नैना सोनाली तुम्हारी जिम्मेदारी है, कैसे भी करके लिंक पता करो, देखो दूसरी तरफ लाइन कहाँ जुड़ी है और किसकी हेल्प ले रही है। जी सर। अंदर आ जाओ सर। हाँ आजा बेटा। साहब ये गोविंद के जाने के बाद उसके धंधे में कोई तो बहुत बड़ा डिस्काउंट स्कीम चल रहा लगता है। क्या चल रहा है बता। उसकी बीवी सुजाता लोगों की लोन माफ कर रही है। उसका पैसा है करने दे, हो सकता है अपने पति का प्रयाश्चित कर रही है। प्रयाश्चित आदमी 5-10 हजार रुपए का करता है, ये तो लाखों का लोन माफ कर रही है साहब। आज सोनाली गाड़ी में बैठ से बात करनी। क्यों, पुलिस वालों ने पिकअप ड्रॉप सर्विस शुरू की है क्या? क्या सर्विस शुरू की है ये मैं बाद में बताती हूँ, गाड़ी में बैठ। सीधा पुलिस स्टेशन आऊंगी, अभी मेरा कॉलेज का टाइम। बात करने के बाद मैं खुद तुझे कॉलेज छोड़ूंगी, बैठ अंदर। सुना है आप लोगों का कर्जा माफ कर रही है? जी मेरे पति का पैसा है, अब उसके लिए पुलिस की परमिशन तो नहीं चाहिए ना? नहीं परमिशन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल अभी आया, ये पहले से डिसाइडेड था कि आपके पति के मर्डर के बाद। मेरी बेटी के बारे में आप पहले भी पूछ चुके हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ, अब आपका इशारा मेरी तरफ है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पति का मर्डर मैंने नहीं करवाया। चलिए फिलहाल के लिए मान लेते हैं, हमारे हाथ में भी ऐसा कुछ है नहीं। अजीब है ना, हमारे हाथ कोई लिंक नहीं लग रहा और इधर मुकेश पवार का पूरा 12 लाख माफ हो गया। जी माफ कर दिया, और कई लोग हैं जिनका माफ करूंगी, ये मेरा फैसला है और इसका मेरे पति के मर्डर से कोई लेना देना नहीं। ऐसे क्या देख रहे हैं साहब, वरी ने जो भी किया उनका पैसा है, खुलम खुला सबके सामने, कोई चोरी छुपे नहीं किया। सत्रह की डेट तो याद नहीं है मुझे, लेकिन कभी कभी पूरा दिन अपना फोन ऑफ करके रखती हूँ। ये डेट तो याद होनी चाहिए तुम्हें, 17 तारीख को गोविंद देसाई का मर्डर हुआ था। ये डेट याद है मुझे और हमेशा याद रहेगी, बस फोन ऑफ किया था या नहीं ये याद नहीं है मुझे। अगर डेट याद है तो फिर जगह भी याद होनी चाहिए कि कहाँ गई थी तुम। इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन शायद मनोहर के आसपास कहीं गई थी, खुद के लिए वक्त निकाल कर हमेशा जाती हूँ। सोनाली तुमने गोविंद देसाई को मारने के लिए किसी को हायर किया था? मैम मैंने नहीं किया ये,
आप चाहो तो अपने और लोगों को मेरे पीछे लगवाकर मेरे बारे में पता लगा सकते हो कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे बातें करती हूँ, क्या बातें करती हूँ। लेकिन आपको मेरे मुंह से सुनने के लिए ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे ये साबित हो कि मैंने किया है। मैं अपने पापा के डेथ से बहुत परेशान थी। मैंने उनकी मौत के लिए गोविंद देसाई को दोषी माना। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी कि मैं उसकी जिंदगी नरक बनते हुए देखूं। लेकिन अब जब उसकी मौत हो चुकी है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कर्म चक्र है जो उसने मेरे पापा के साथ किया, उससे भी वैसा ही मिला। लेकिन सच ये है कि मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, ना मुझे अंदर से शांति मिली है, क्योंकि जो हुआ उससे मेरे पापा तो वापस नहीं आ जाने वाले। मैं बस आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि मैंने उसे नहीं मारा है और ना ही मैंने किसी को सुपारी दी है उसे मारने के लिए। हाँ, उसको मैंने जैसा कि योगेश सिंह ने कहा था, एक हफ्ते बाद जेनी को परेशान करने वाले दोनों लड़के संजय और प्रकाश सामने आए और पुलिस को बताया कि वो जिंदा है। फेंका तुम दोनों? मैडम, हम दोनों चुपचाप यहाँ से चले गए थे, प्रकाश के मामा के यहाँ बदलापुर में, और अब तक वहीं थे मैडम हम। मैम, वो जेनी को नहीं छेड़ना चाहिए था, गलती हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ तो हम डर गए थे मैम, तो यहाँ से भाग गए। गोविंद देसाई की हत्या में पुलिस को पहला ब्रेक थ्रू यहाँ संजय और प्रकाश की अचानक वापसी से मिला। ये पुलिस की अचानक से की गई गणित का नतीजा था कि उन्हें कहानी दिखाई थी जिससे ना सिर्फ गोविंद की हत्या का मोटिव सामने आया बल्कि इसके पीछे की साजिश, हत्यारे और साजिशकर्ता का भी पता चला। सर, संजय प्रकाश हमारे पास है, मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों इस साजिश में शामिल हैं। हमें अब तक ना इस केस का मास्टरमाइंड मिल रहा है, ना ही वो दो लोग मिल रहे हैं जिन्होंने गोविंद देसाई को मारा है। सर, शायद इसलिए क्योंकि इससे पहले संजय प्रकाश हमारे सामने नहीं थे, हमारा शक कभी उन दोनों पे नहीं गया। अभी तक हम बस यही सोचते रहे कि स्टेला गौरी थॉमस ने योगेश की मदद से इन दोनों लड़कों को रास्ते से हटाया, पर योगेश ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया। नहीं ना, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि प्रकाश और संजय ने अपनी जान बचाने के बदले में गोविंद की जान ली। हो सकता है सर। ठीक है, नहीं मारेगा मैं जान से तुमको, लेकिन मेरी एक शर्त है। सर, जेनी ने 6 महीने पहले संजय और प्रकाश के बारे में अपनी माँ स्टेला को बताया और स्टेला ने ये बात योगेश को बताई, उसके बाद से ये दोनों लफंगे लड़के गायब हो गए। अब जो बात हमें स्टेला ने बताई उसके हिसाब से इन दोनों लड़कों के गायब होने के 2 महीने बाद वो गोविंद से मिले ट्रेन में, मतलब अभी से लगभग 4 महीने। अब स्टेला का गोविंद के साथ ट्रेन में यूं अचानक मिलना सर इत्तेफाक नहीं लगता, ये एक प्लान है। ये स्टेला झूठ बोल रही है, ये पक्का इस केस में इन्वॉल्व है। तुम कह रहे हो कि स्टेला ने खुद को चारे की तरह यूज किया और गोविंद उसके पीछे आया? गोविंद जिस तरह का आदमी था उस हिसाब से तो मैं श्योर हूँ कि गोविंद स्टेला के पास सिर्फ पैसों के लिए नहीं गया होगा, स्टेला ने उसको खुद की भी लालच दी। गोविंद ने अपनी पत्नी से कहा कि वो दमन जा रहा है लेकिन वो गया नहीं, क्योंकि अचानक से स्टेला का फोन गोविंद को आ गया और स्टेला बहुत अच्छे से जानती थी कि इस इनविटेशन को गोविंद कभी मना नहीं कर सकता। नहीं नहीं गौरी जी, मैं खुद आ जाऊंगा ना वहाँ, वैसे भी 6:30 बजे विरार साइड पर मुझे काम तो है ही, तो फिर उसके बाद आपके यहाँ आ जाऊंगा और कलेक्ट भी कर लूंगा पैसे। ठीक है गोविंद, जैसा आपको ठीक है। ऐसे छोटे मोटे अमाउंट लौटाने की क्या जरूरत है गौरी जी, अब नहीं भी देंगे तो चलेगा। बस बस बस। उसके बाद दो लोग गोविंद पे अटैक करते हैं, वो संजय और प्रकाश हो सकते हैं। गोविंद बाबू, कौन तुम लोग? अगर ऐसा है तो फिर सच खुलवाते हैं संजय और प्रकाश से। नैना, तुम स्टेला और जेनी को भी ले आओ, चारों को आमने सामने बिठाते और करते हैं पूछताछ। क्या हुआ, खाली याद क्यों है? वो चाकू लाना भूल गए क्या जिससे गोविंद का मर्डर किया था? याद नहीं आ रहा, मैं याद दिलाता हूं। 19 बार के थे जिस पर तुमने कस्तूरी फाड़ा था, यही है ना वो आदमी? जेनी को हमने स्कूल से उठा लिया, चलो मिलो उसे।
कहां ले गए आप लोग उसे? पुलिस स्टेशन। डरो मत, तुम दोनों से हमें साथ में बात करनी। साहब हम लोग तो छोटे मोटे काम करते हैं साहब, ये मर्डर केस में हमें मत डालो साहब। सर हम सच बोल रहे हैं सर, हम दोनों बदलापुर चले गए थे सर। जैनी को छेड़ने के बाद योगेश सिंह ने इसी शर्त पर छोड़ा था ना गोविंद की मर्डर करने की? नहीं नहीं सर, सर उसकी तो शर्त ये थी कि इसके बाद हम इस एरिया में ना दिखे सर। ठीक है, नहीं मारेगा मैं जान से तुम दोनों, लेकिन मेरी एक शर्त है, ना पालघर में कभी तुम दोनों दिखोगे, ना पालघर के आसपास, धानु वसई विरार पूरा वेस्टर्न लाइन में कहीं नजर नहीं आने चाहिए, समझे? साहब हम लोग को लगा कि हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे, फिर योगेश भाऊ के आदमी लोगों ने कहा कि कस्तूरी मार्ग पुलिस स्टेशन पर हाजिरी देनी है, इसलिए हम यहाँ पर आए साहब। सर हम किसी गोविंद देसाई को भी नहीं जानते। खेल खत्म तुम्हारा स्टेला गौरी थॉमस, गोविंद देसाई के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं हम तुम्हें। तुमने पहले गोविंद को लालच देकर बुलाया हो और उसके बाद जान से मार दिया उसको। हमें जानते हैं कि तुम गोविंद से कभी ट्रेन में मिली ही नहीं थी। जेनी ने भी हमसे सच छुपाया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो माइनर है, उसके साथ माइनर जैसे ही बर्ताव किया जाएगा। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। संजय और प्रकाश ने सब कुछ बता दिया है, जिस्मानी लालच देकर बुलाया तुमने गोविंद को वहां पर, मर्डर भले ही तुमने ना किया हो, शामिल तुम भी। सर वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, वो लोग दुश्मनी निकाल रहे हैं मेरी मम्मी के साथ। क्यों झूठ बोलेंगे जेनी? तुम्हारी मम्मी ने इन दोनों गुंडों को हटाने के लिए दूसरे गुंडे योगेश की मदद ली, इसलिए। सोचो जब लोगों को ये पता चलेगा कि जेनी की मां ने मर्डर किया है तो कैसा बिहेव करेंगे वो जेनी के साथ? सीधे सीधे बता दो कि सारी प्लानिंग कैसे बनाई थी। हेलो गोविंद भाऊ बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, कौन? मेरा नाम गौरी है, आपकी छोटी सी मदद चाहिए थी, बेटी को पढ़ाने के लिए लोन चाहिए, मिल सकेगा? हाँ मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सामने आकर मिलना पड़ेगा, फोन पर नहीं हो सकता। तो गौरी तुम्हारा नाम कभी था ही नहीं, ये तुमने गोविंद देसाई के लिए रखा था? जी, इसीलिए रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब होने वाला है। तो फिर ये लोन वोन ये सब नाटक था? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या तुम्हारा हिसाब भी कोई बाकी था? सर मेरा उसके साथ कोई हिसाब बाकी नहीं था, मैं तो गोविंद को जानती तक नहीं थी। प्रकाश और संजय का डर अब खत्म स्टेला, अब इधर कभी दिखाई नहीं देंगे वो लोग। थैंक यू सो मच योगेश, जेनी बहुत डरी हुई थी इसीलिए तुम्हें परेशान किया, और हाँ इसके बदले कभी भी तुम्हारी कोई भी मदद कर पाऊँ ना मैं हमेशा तैयार हूँ। ये क्या बोल रही स्टेला, जॉन होता तो भी ऐसे बोलती क्या? दोस्त था वो मेरा, अभी वो नहीं है तो उसकी फैमिली के लिए इतना तो करना बनता है ना। योगेश तुम्हारा ये एहसान ना जिंदगी भर उधार रहेगा मुझ पे, सच बोल रही हूँ। तो गोविंद को फंसाकर तुमने योगेश का एहसान चुकाया? मुझे नहीं पता था योगेश के मन में क्या है। एक हेल्प चाहिए स्टेला। बोलना योगेश, क्या बात है? गोविंद देसाई ये इंटरेस्ट पे पैसा बनाता है। अच्छा, बस इसको एक कॉल कर और बोल कि तेरे को लोन चाहिए। लोन? हाँ, और अपना नाम गौरी बताने का, स्टेला नहीं। गौरी? तू फिकर मत कर, अपने को उसके साथ कोई पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। जैसा मुझे योगेश ने बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने 10,000 रुपए अरेंज कर लिए हैं गोविंद जी, आप लेने आ सकते हैं या फिर? नहीं नहीं मैं खुद आ जाऊंगा गौरी जी, क्योंकि वैसे भी मुझे विरार साइड पे 6:30 बजे शाम को काम है, फिर उसके बाद आपके यहाँ आ जाऊंगा। नहीं नहीं गोविंद जी, घर मत आइएगा, मेरी बेटी भी होगी। कस्तूरी फाटा पे मिल सकते हैं, मुझे वहाँ पे कुछ काम है तो आपके पैसे भी दे दूंगी और किसी होटल में डिनर भी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल गौरी जी, तो मिलते हैं। प्रकाश और संजय वाला एहसान बराबर स्टेला, ये लास्ट टाइम था योगेश। हाँ इसके बाद जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आज मैं गोविंद का हिसाब किताब भी बराबर कर दूंगा। गोविंद भाऊ कौन तुम लोग? गौरी जी ने भेजा है, इंतजार कर रही है आपका। बढ़िया हो गाड़ी, गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पास में ही जाने। कहाँ कहाँ जाना? आओ बस वो पीछे। हाँ Thank you.
ये तूने क्या किया योगेश? पुलिस का फोन आया था मुझे, गोविंद का मर्डर हो गया, मर्डर, और मेरा नंबर मिला है उसके फोन से। परेशान मत हो स्टेला। तू ये करने वाला था, इसलिए फोन करवाया था गोविंद को मुझसे? योगेश, तूने मुझसे कहा था कोई पुराना हिसाब बराबर करना है उससे, ये नहीं बताया था तूने मुझे? घबरा मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। जैसा मैं सुना रहा हूँ वो याद कर, और पुलिस को भी वैसे ही बताना। तू ट्रेन में आती जाती है ना? योगेश ने जैनी को संजय और प्रकाश से बचाया, इसलिए तुमने आग बंद करके उस पर भरोसा कर लिया और गोविंद को वहां पर बुला लिया जहां पर उसका मर्डर हुआ। योगेश ने क्यों मारा गोविंद को? सर मुझे कुछ नहीं पता योगेश ने ऐसा क्यों किया, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। ये दोनों तब तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक हमें गुंडा योगेश नहीं मिल जाता। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे साहब अपनी बात हो गई थी ना, वो दोनों बंदे हाजिर भी करवा दिए थे मैंने, अभी अभी क्या है? तू हमें बताएगा किससे बात करनी किससे नहीं, हाँ? तुझे क्या लगा तू बोलेगा तो हम स्टेला को छोड़ देंगे? कदम, अरे कदम बस, बैठ, चलो जा शुरू, टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे और भी मैटर सेटल करने हैं। ये दोनों गए थे साहब जग्गा और मुंटी गोविंद को मारने। शाबाश कदम, अरे दोनों को तीसरे को छोड़ दे, चल बोल क्या लफड़ा था तेरा गोविंद ऐसा ही के साथ? पैसे लिए थे तूने उससे? पैसे लिए थे साहब, लेकिन उसके नहीं, उसकी सुपारी के पैसे लिए। और वो पान की दुकान कौन सी है जिसने तुझे सुपारी पकड़ाई? मुकेश पवार नाम है उसका। और ये वही है ना जिसका कर्जा माफ हुआ था? हाँ सर वही है। मंडवारी करवाना है तो बोल, फुल मर्डर का 4 लाख लगेगा। नहीं जाएगा 4 लाख, आदमी 2 लाख एडवांस लगेगा, पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, सर्किट बैठाना पड़ेगा। कल मिल जाएगा तो डील पक्का समझो। कल पैसा ला फिर डील पक्का समझ। स्टेला को यूज क्यों किया, ये तेरा प्लान था? हाँ साहब, मेरे को लग गया था कि गोविंद को चारा डालना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने फुल प्रूफ प्लान बनाया। एक विधवा को चारा बनाया तूने, बच गई ना तेरे फुल प्रूफ प्लान की। ये वो पान की दुकान, योगेश इसकी बात कर रहा था, गलत आदमी को तो नहीं उठा लेगा तुम लोग? सर 12 लाख का लोन लिया था इसने। अबे बोल। मैं अरे क्या मायने लगा रखा है? डर मत, मैं तुझे मानने वाला नहीं हूँ, नहीं मारूंगा तुझे। तू ये बता कि तुझे चाबी किसने भरी थी? सुजाता देसाई। सर ये सुपारी दुकान तो घर पे निकली। गोविंद को मारने के लिए सुपारी मैंने दी थी मुकेश को, उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग थे और किसने उसे मारा। पायल को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था और मैंने ना कुछ बताया। ये सब हम पता लगा लेंगे सोचा था जी, किसको क्या मालूम था, क्या मालूम नहीं था, क्या चार्ज लगाना है। अब सिर्फ ये बताइए कि आपने गोविंद की सुपारी क्यों दी थी? वो बहुत सी औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता था इसलिए। वो पता नहीं कितनी औरतों पर मुंह मारता था, सब देख सकती थी मैं, जो करना था करता, पर हर चीज की एक सीमा होती है, वो लांग दी थी उसने। क्या रे? क्या नहीं दिया मैंने तुझे और पहल को? ब्यूटी पार्लर कर, शॉपिंग कर, जो करना है कर, पर मुझसे सवाल मत कर। अशोक और नरेश सही बोलते हैं, तुम बदल गए हो गोविंद। बदल गया हूँ।
बदल के होंगे, बदल के होंगे। कैसे बदल के होंगे? माँ, ये कैसे हुआ? माँ, आपको चोट कैसे लगी? पापा, वहां पर हाथ कैसे उठाया आपने? हाथ कैसे उठा सकते हैं आप वहां पर? ऐसे क्या कर रहे हो? मुझसे सवाल करेगी? हाँ, क्या कर रहा पापा? तो हट। वो नीच काम करता रहा, तू? मैं आंखें मूंदी रही। वो मुझे मारता रहा और मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन जब उसने पायल पर हाथ उठाया तो मेरी सहनशीलता जवाब दे गई। फिर मुझे लगा कि हम दोनों के घुट घुट के मरने से अच्छा है कि वो अकेला ही मर जाए। मैंने देखा था तुम उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ा रहे थे। मैं क्या करूं सुजाता जी, पैसे लिए थे मैंने, वापस ही नहीं कर पा रहा। कितने हैं अभी? 12 लाख बचे हैं। तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, सारा माफ कर दूंगी। ऊपर से जो भी खर्चा होगा वो भी मिलेगा, अगर तुम किसी का जुगाड़ कर सको जो गोविंद को मुक्ति दिला सके। जान से मारना है उसे। पायल उस वक्त बालिग थी, अपने अच्छे बुरे की समझ थी उसे। पहले मैंने सोचा इसे लेकर कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन उसे सबक सिखाना जरूरी था। बिला वजह मार खाई थी मैंने और मेरी बेटी ने। तो ये दमन वाली कहानी इस प्लान का हिस्सा है जी। और पायल, तुम जानती थी कि तुम्हारे माँ ने ही तुम्हें? नहीं मैम, पर मुझे शक था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लक्ष्मण भी शामिल था इस सब में? नहीं, उसे भी कुछ नहीं मालूम। मुजरिम सिर्फ मैं हूं। मुकेश की भी मजबूरी का फायदा मैंने उठाया। पैसे करने की आदत छोड़ दो, कुछ जज नहीं है, मुजरिम। माँ ने जो कुछ भी किया सब मजबूरी में किया सर, वो मजबूर थी। कानून की नजर में तुम्हारी माँ इस वक्त सिर्फ एक मर्डरर है पायल। पता नहीं पापा ने ऐसा क्यों किया, हमें कुछ बताया तक नहीं। ये तो वही बता सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ बेटा, शांति पाने का एक ही रास्ता है, इस वक्त जो जैसा है उसी में जियो और जिससे जो लिया है उसे वापस कर दो। सर, सर, आई एम सॉरी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी, कोशिश करूंगी कि खुद को बदल सकूं। सुनल, एक बात हमेशा याद रखना, सिस्टम में तुम्हें लाख कमियां नजर आएगी, जो कि है भी। जो इसका फायदा उठाते हैं वो आदर्श लोग नहीं होते हैं, बुरे लोग होते हैं, और हमें उनके जैसे बनने की जरूरत नहीं है। ख्याल रखना अपना। स्टेला ने गोविंद को फोन तो किया था, पर ना तो वो हत्या में शामिल थी और ना ही उसे ऐसा होने का आभास था। इस वजह से उसके खिलाफ कोई चार्जेस फाइल नहीं किए गए। मुकेश पवार, योगेश सिंह, मोंटी और जग्गा के साथ सुजाता देसाई पर आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए और आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश के लिए चार्जेस लगाए गए। भले ही एक साजिश के तहत कितना भी पेचीदा चक्रव्यूह रचा गया हो, लेकिन हर अपराध का अपराधी सामने आता है और हर अपराधी को अपने किए का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब एक साधारण इंसान अपने हालात से मजबूर हो जाता है, किसी दूसरे इंसान के किए से दुखी हो जाता है, तो ये हमेशा याद रखें कि ऐसी स्थिति में अपनी सहनशीलता को खोकर जुर्म का रास्ता ना चुनें। सोचें, समझें और सतर्क रहें, ताकि गुस्से में उठाया गया कदम आपको किसी ऐसी परिस्थिति में ना डाल दे जिसके लिए आपको जीवन भर पछताना पड़े। हम शायद अपनी तसल्ली के लिए कुछ ऐसे उदाहरणों का सहारा लें जिसमें अपराधी अपराध करके बच निकला हो, लेकिन ज्यादातर अपराध सुलझा लिए जाते हैं और अपराधियों को उनके किए की सजा दी जाती है। जो लोग डिफॉल्ट करते हैं और बिना पैसा दिए भाग जाते हैं, उनका ना तो अनुसरण करना चाहिए और ना ही उनसे ईर्ष्या होनी चाहिए। वो सिर्फ भगौड़े हैं और कानून उन्हें एक ना एक दिन पकड़ ही लेगा। देश के ज्यादातर आम और ईमानदार नागरिक संघर्ष करते हैं और अपना कर्ज चुकाते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं।
फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, आपके और क्राइम के बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।